अंचल में खासकर पोटिया और किशनगंज में आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है इसमें, नथिंग। ऐसा नाजिर उर्फ हुडले की किशनगंज उपचुनाव निर्दलीय से लड़ने का ऐलान। किशनगंज विधानसभा की बेबसी लाचारी को देखते हुए कई युवा वर्ग के लोग कर रहे हैं उपचुनाव लड़ने की तैयारी। ऐसा नाजिर ने कहा, 1947 से अब तक किशनगंज शिक्षा और विकास से कोसों दूर है, अगर जीते पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा जनता का सेवा। आइए सुनते ऐसा नाजिर ने क्या कुछ कहा। युवा वर्ग को आना पड़ रहा है सर, सीमांचल में अभी बहुत बड़ी बीमारी है, हम लोगों की आंख में काला पट्टी बांध दिया गया है। काला पट्टी ये कह के कि हम लोग सरकारी चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, सरकारी चीज़ों का लाभ नहीं ले पाते हैं। और हिंदुस्तान एक किसान का देश है, आप पूरे किशनगंज विधानसभा को सर्वे कीजिए, आप 100 में से कितने लोगों को ये बोलेगा कि कृषि जानता होगा या कृषि पदाधिकारी होता है जिला में, ऐसा कोई जानकारी नहीं। ये जानकारी देने का काम किस लिए है, जनप्रतिनिधियों का काम है। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में और हम लोग आज 2019 में अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, लेकिन आज तक इंसान नहीं जान पाया है कि ये कृषि क्या होता है। और जैसे संस्था, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, इसमें लोग अपने बच्चे को पढ़ाना पसंद नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से नष्ट है। और किशनगंज जिला पूरे वर्ल्ड में सबसे गरीब है और सबसे गरीब यहीं रहते हैं। आखिर क्यों, जब देश इतना आगे निकल गया है चुनाव लड़ने का, ये बस लोगों का मदद करते करते हम लोग अपना लाइफ में जो मेरे दिन का रूटीन है वो रूटीन सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए रहता है, खुद का काम नहीं करते हैं। यदि चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे गरीबों के लिए? गरीबों का आवश्यकता जो पसीना चूता है, जो उसको नहीं चुना चाहिए, जो बीडीओ के ऑफिस में एक काम के लिए 10 बार दौड़ता है वो नहीं दौड़ेगा, जो थाना के काम के लिए एक बार में 10 बार दौड़ता है वो इंसान को दौड़ने नहीं देंगे। इंसान का जो पूंजी है उसको बचाएंगे। प्राथमिकता क्या रहेगी? बस पूरी ईमानदारी के साथ जो सरकार का फंड रहेगा, जो सरकार का न्यूज रहेगा, उसको पब्लिक के घर घर तक पहुंचाना। ये तो सब कोई वादा करता है, ये वादा करता है और पब्लिक इसको जवाब देगी। आप जाइए मेरे एरिया में और सर्वे कीजिए, आपको कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो हम लोगों से नाराज हो। इसलिए हम लोग चुनाव निर्दलीय ही लड़ेंगे, किसी पार्टी का सहयोग नहीं लेंगे, क्योंकि पार्टी कभी कुछ नहीं किया, जो किए हम लोग खुद किए। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि लोग अब जाग जाए, बहुत सोए। 47 में आजादी हुई थी देश की और पूरा देश जाग गया, लेकिन सीमांचल नहीं जाग पाया। और सीमांचल में खासकर पोटिया और किशनगंज में आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है इसमें, नथिंग, कुछ नहीं। आप ग्रेजुएट इंसान को ढूंढिए, आपको नहीं मिलेगा, 10 से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। शिक्षा पर भी जोर दें। जी जी बिल्कुल, शिक्षा ही सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जो आधार है। इंसान जो अपना आजादी को जानता है कि हम एक आजाद देश में रहते हैं, उसको ये पता कैसे चलेगा जब वो शिक्षित नहीं रहेगा, उसको उसका अधिकार का पता नहीं चलेगा। मैं हिसाम नाजिर हालामाला पंचायत से हूँ।